सत्संग देने से सत्संग में एक मामूली चीज समझे जोड़ी परमारे की खुराक है और संसार में सब मुख रख दे फिर अपने आप में खिलाने में भी ऐसी सत्संगी जिन्नी बेटकल कहते हैं कथनी कथनी करते करते कथते हैं करते नहीं मुख के बड़े लवार कथते हैं करते नहीं मुख के बड़े लवार मुंह काला होएगा सतगुरु के दरबार गला करण के नाल परमात्मा नहीं मिलता और जिन्नी बेटकल तुम कथनी करने के लिए जाओगे सत्संगी या मैं तो उन्हीं बेटकलों लबार ये बपाई में मार दे और मुंह साडा काला होएगा सतगुरु के दरबार में इस तरह गुरु नानक साहब जी की बाणी का सत्संग है शुरू करो। आज का सत्संग पहली बादशाही गुरु नानक साहब जी की बाणी का होगा और सत्संग प्रवचन पूज्य माता जी के। मैं अगर सत्संग शुरू किया है तो एक सोचे भी मैं संगत करके किया है मैंने महाराज जी ने हुक्म दिता है आकाश से आके कि तू सत्संग शुरू कर क्यों नहीं कर दी तो तब मैं सत्संग शुरू किया क्योंकि अदरवाइज मैंने अंदर पता से भी किन्ने के तुम्हें अंदर प्यास है या किन्ने के शौक है और जो हमारा इनको ज्ञान भी दे तो तुम गुरु लगने शुरू करते पति गुजरे तो तुम अपना दूजा पति देखना शुरू कर दो और प्यार कर दिया जोड़ी रूहानियत तुम्हें प्राप्त करनी थी वो तो महाराज ने तुम आप ही देखती थी फिर तुम्हें किसके वास्ते तुम्हें लगना चाहिए इधर उधर इस करके ना खाओ सी ना चुप सी लेकिन महाराज का हुक्म अटल है जो उन्होंने किया वो करा लिया उन्होंने और मैं ये प्रसन्न हाँ तो उन्होंने शांति हो गई इस गल की कि सत्संग होंगे पे लेकिन जीव जोड़े ने उस तरह नहीं है जिस तरह मैं चाहनी हाँ जिस तरह बना मैं ही संसार खुद नहीं है तेरे वतन लेकिन मेरे अंदर पूरा महाराज की कृपा है मैंने महाराज को सिवा और कोई चीज नहीं दिखती मैं अपने बच्चों में भी गुस्सा आनी है तो क्यों नहीं सत्संग बैठते तुम क्यों तुम दुनियादारी देख पाए जिसकी बरकत ना जिसकी सारी बरकत है जिस देखते उसने जो कुछ भूल जाओगे तो तुम्हारा बनना की है कुछ नहीं बनना कल खा देगा कल सत्पुरुष परमात्मा होता है और इसकी महिमा मोह नाल पहली बड़ी मुश्किल है वेद कितने पार नहीं पाओ कह भी सुना चाहिए आ रहा साध की महिमा वेद ना जाने देवता सुने देवता दिखाने बस उन्ना सतपुरुष बड़ी वही चीज है और उसके बड़े ही साढ़े उच्चे पार सी कि सानू महाराज जी थोड़े ही टाइम दे रूहानियत का पंडार जरा सी वो भेज दे गए कुंडी फिरा गए हाथी छड़ गए लेकिन जीवन ने उसका कदर नहीं पाई बिल्कुल कदर नहीं पाई जिसके सतगुरु शब्द के नाल आत्मा को जोड़ दे प्रकाश नाल मिला दे और फिर उसके अंदर इच्छना पैदा हो अपने मुर्शिद का तो उसको खोटे कर्म और की होंगे सुतले ही नहीं हुआ सुतले ही है जिन्हें बैठ कहे तुम अपने तो आप कृपा नहीं करोगे कुछ नहीं बने यही व्यास वाले जो गद्दे बैठे हुए क्या है कि इन्हें गुरु आए तो इन्हें तुम्हें सत्संग छोड़े कोई फर्क किया तो देंगे चलो रहने जानी उसे कराएंगे तुम बाबा जन्म सिंह की जगह इबादत करने वाली जगह बनाई थी तुमने मेला बना लिया इतने सारे उन्होंने कहीं बोलते पाए कि नहीं सत्संगी जोड़े में असली मैंने सत्संगी बनने चाहिए और उसके वास्ते प्रार्थना करनी चाहिए अपने गुरु जैसे कि महाराज जी सानू अपनी शरण च रखो क्योंकि काल बड़ा बलवान है मन बड़ा चंचल है यदि चरण बिजी है तो इंद्रियों वाल भजदा है बुद्धि जोड़ी है तो मन ने अपने वसित की और मन आप इंद्रियों ने वसित किया है उसे परमार्थ किसना बनेगा सारा ही राज पाठ चौपट है उल्टा चलता पे मैं तुम्हें सत्संग समझा रही हूं मैं अपने बच्चों ने बड़े इस चीज का समझा रही है कि जो कुछ तुम्हें प्राप्त होना है मारे भी गद्दी तो होने जो बरकत है उस गद्दी भी है जो इतने से मिला रखोगे तो आसमान नहीं छोड़ो तो जो इतने से मिला नहीं पाता तो तुम्हें कोई नहीं तरक्की वो इतनी आ सकती बिल्कुल
गुरु नानक साहब जी की बाणी है वो भी यही फरमांदे ने बोले जो जल निधे कारण तुम जग आए सो अमृत गुरे पाही जियो। नानक साहब कहते हैं अगर तुम जिस कारण तुम संसार इस मनुष्य देही लेके आए हो वो है परमार्थ कमाना। परमार्थ जोड़ा है वो परमात्मा जोड़ा है तो शरीर के अंदर बैठा है तो छह चक्कर का शरीर जोड़ा है अखा चक्कर एक हिस्सा है और उसके उत्ते है जिथे की वो पावर पुराने भी मौजूद है। तो उस कारण तुम संसार चाहे तुम सिर्फ खान पीन बच्चे जमन या लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष करने वास्ते नहीं आए तुम आए उस मालिक की इबादत करने वास्ते और शुभ कर्म करने वास्ते। और ओ अगर तुम नाम नहीं जपया सिमरन नहीं किया किसी सतगुरु की शरण नहीं पकड़ी और कोई युक्ति नहीं की भजन बंदगी करन दी तो तुम वो अपनी अमोलक मनुष्य देवी जोड़ी बिरथा करा देती है खराब कर देती है। जिस तरह बच्चा सारा साल स्कूल तो जाता गया है लेकिन पढ़ता नहीं तो की है फेल होगा सारा साल उसका खराब हो गया माँ बाप को चिड़का खाएगा शर्म आएगी। इस करके गुरु नानक साहब जी कहते हैं जिस तरह आत्म ने राम राम ने आत्म चीज गुरु विचार अगर कोई तुम कहे इस भीड़ ला के बढ़ दे पेड़ का लिया के तेरे अगे रख दे और कहे यह पेड़ है तुम कहोगे पेड़ तो नहीं लगता इसे कोई भीड़ है और क्या अच्छा तो पेड़ नहीं है लगा अपनी जमीन दे जिसने जमीन पर लगाता है उन्हें पानी दे ना दे अपने आप लोने वादा है फिर वो पौधा बन जाता और पौधे के बाद वो पेड़ बन जाता है। जिस तरह बीज के अंदर पेड़ है दरख्त है उस टाइम में मालिक साढ़े अंदर मौजूद है दसवें द्वार के विच और आत्मा जड़ी है उस भी ही अंश वंश है। और अगर ऐसी वो प्रकाश और नूर का और धनात्मक नाम खत्ते नाल जुड़ना है तो एक आत्मा ने सतगुरु में मिलना है केड़े सतगुरु जेड़ा जीवित सतगुरु है जीवित सतगुरु में मिलके जिसके उत्ते सतगुरु का हुक्म है वो जीवित सतगुरु है उसमें मिलके अंदर की युक्ति लेके भजन करना है। जब भजन करेगा तब उसकी आत्मा परमात्मा नाल मिलेगी। जिस तरह सबने दो अखा ने अभी दूजे ने दो अखा देख लेने हैं लेकिन अपनी अख नहीं देख सकते हालांकि नाल नाल जुड़ गई है बिल्कुल क्यों नहीं देख सकते बस नहीं देख सकते। इसमें अगर आपने अगर शीशा रखते हैं तो फिर सानू दोनों अखा देखती है। इस तरह ही आत्मा भी अंदर है परमात्मा भी अंदर है लेकिन जिन बैठकर अभी सतगुरु सामने रखांगे सतगुरु तो अंदर की जुक्ति नहीं लागे असि परमात्मा नाल नहीं मिल सकते। और परमात्मा नाल अगर तो तुम किसी ने बहुत चाहते थे और कहीं अभी ये आ गया है तो तुम क्यों भेजे जाते हो मेरे बस किसी की यह है कि आत्मा मन के बीच इन्नी खुदी हुई है कि उन्होंने शौक नहीं रहता परमात्मा मिलन का कहते कि अपनी जगह बैठा है जरूरत है असं इतने बैठे हैं काम करते हैं रोटी खाने हैं यह नहीं पता कि जिस ड्रामा ने आके डबोच लेना है और तभी आत्मा ने जिस कट के ला देना है उसने तभी जी गुरगति होनी है उस वे फिर कोई रकम जब गड्डी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो फिर तुम समान अपना बनो तो वह समान तो बहुत ठीक रह जाए बेचैनी आएगी गड्डी नहीं कर सकोगे। जब अभी बाहर के प्रोग्राम करने वास्ते कई कई दिन तैयारी करते हैं यही पता कि जब असं जन्म लेता है तो मरण भी अवश्य है और इस मरण में यह समझ गए कि मरना है मरना है ना सुंदर जो है मार जाए ना है लैसे कौन मरे ना ना लैसे ना ऐसे नहीं बोलिए कोई नहीं मरते मरते सारे सारे मरते नहीं लैके नहीं